बस टेक्नोलॉजी लॉन्च करती थी, 31 में फिर टायर दे दिए थे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई ये दो ग्रेडर हैं यहाँ पे, एक बैमल कंपनी का और एक कैटरपिलर कंपनी का। तो मेन जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आज यही था कि भाई कुछ तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसे फंक्शन है वो भी बताएंगे आप लोगों को साथ में। और दूसरी बात जो मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था भाई, जैसे एक पुराना मॉडल है और ये नया मॉडल है, तो पुराने में पुराना ले कर अगर कोई बंदा चलाना चाहे तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन दोनों में अगर हम दोनों की बात करें इनकी दोनों की, तो कौन सा बेस्ट है इन दोनों में, और उसका कारण भी बताएंगे भाई क्यों बेस्ट है। क्योंकि चीज़ का भाई ठीक है बेस्ट होना, हर चीज़ का एक अपना लॉजिक भी हो उसके पीछे। तो दोनों भाई ऑपरेटर हैं, काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं इन चीज़ों को। एक भाई को काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक साथ में नया लड़का है। तो चलो इन दोनों से बात करेंगे, पहले एक बार इनके बारे में बताएंगे और फिर इनके ना कुछ एक दो फंक्शन ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों को मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है इन चीज़ों के बारे में। हालांकि चलाने वाले को लगभग पता होता है लेकिन वीडियो में नहीं मिल पाती वो चीज़ें। तो चलो एक बार बात कर ले भाई जी। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। एक बार अपना नाम पता बताओ भाई जी। कौन सी जगह थे भाई जी? मैं यमुनानगर से जी। यमुनानगर थे, तो इस लाइन में कैसा हो गया आपने? मन हो गया जी 2003 थे। 2003 तो लग रहा है, और तेरी गतने तो भाई ने मान ले 19 साल हो गए हैं, 2022 हो गया। हाँ दोस्त, अपना नाम क्या है भाई? प्रिंस गुज्जर जी। प्रिंस गुज्जर, कौन सी जगह था भाई? बागपत उत्तर प्रदेश। अच्छा बागपत उत्तर प्रदेश। आपने कैसे साल हो गए इस लाइन में? 5 साल जी। अरे तेरी गए वाक्य में जो करो उम्र गए जो भाई वो बालक दिखाए तो वाली बात, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया जो काम में जो इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे ये दो ग्रेडर है, एक बैमल कंपनी का, ये कैटरपिलर कंपनी का, तो आप कौन सा चलाओ पहले तो ये बताओ। बीमल चलाओ जी। बीमल चलाओ आप, तू कैट चलाओ भाई जो आपने कौन कौन से चलाए हैं आज तक, जैसे 19 साल का करियर हमने चलाए दिए बीमल कमस्तू कैट अरे मतलब सारे चलाए दिए, मतलब जितने लगभग जो मेन मेन सी कंपनियां जो हैं लगभग, जैसे लिंगोंग भी बच्चा एक तीसरे नंबर शायद लिंगोंग का, तो आपने लगभग सारे चला रखे हैं। आपने दोस्त कौन कौन चला रखे? मैंने कैट जी, हाइड्रो मैक, कमस्तू और XMG लिंगोंग का। अच्छा लिंगो, अच्छा चला तो नहीं पूरी रखे यार, सारे चला रखे मतलब टाइम कम है, काम वाली बात हो रही है, चला सारे लिए कम टाइम में। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। अब एक चीज़ बताओ, दोनों जने मिलकर बताओ भाई, जैसे अब दो हैं ये कैटर, एक तो ये मॉडल कौन कौन से हैं ये दोनों? यो 2000 से नीचे जी। अच्छा बैमल तो 2000 से भी नीचे का, और यो कैटर कैट वाला भाई 2016 मॉडल है। तो जैसे मान के चले भाई, इन दोनों में तो कोई बंदा खरीदना चाहे तो कौन सा खरीदना चाहिए बंदे ने? मान लो पुराने की बात, पुराना ही लेना चाहो। पुराना अगर चलाना तब भी मतलब खरीद दो। कारण? कारण ये है ये चलता रहा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम होने पर भी चलता रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम होने पर भी चलता रहा है। मतलब मेंटेनेंस खर्चा के मेंटेनेंस मिल तो जा रहे थे लाख वास्ते भी। हाँ मतलब कि कम है इसका मेंटेनेंस खर्चा भी कम है। इसका भी इसका आपके हिसाब से आपके नज़रिए से ज़्यादा है, आपके नज़रिए से इसका खर्चा ज़्यादा है या मेंटेनेंस ज़्यादा है? मेंटेनेंस तो ठीक ही है। हाँ मतलब कि महंगे पार्ट ज्यादा हुआ इसके। हाँ वही चीज है ना भाई, एक तो जरूर पार्ट से वैसे कि इसके एक सील कट है और वो सील भी बहुत महंगी है। हाँ इसकी सील सस्ती आ जाए, इसकी सस्ती फिर जोर सामान मिल जाए दोनों का मार्केट में सामान तो मिल तो जाए जी इस दोनों का। इसके बाहर इसके उड़े मिल जाए लाख पास। अच्छा इसके तो अपना नॉर्मल जो मार्केट में मिल जाए है, लेकिन इसका नहीं मिलता। इसका नहीं मिलता, इसका कंपनी से मंगवाना पड़ता है। सही कह रहा है वो बात, मतलब यो ही फर्क है। और ताकत लगाने में कौन सा बढ़िया है? ताकत में तो यही है ज्यादा बीमल का। बीमल का, अच्छा क्यों कारण है? तो ये भी ठीक बीमल कैट का भी। हाँ हाँ मतलब कि ये जोड़ ज्यादा ले। अच्छा लोड ज्यादा ले लिया है,
मतलब जो मान के चलो अगर हम कोई भी कटिंग कर रहे हैं जैसे हैवी कटिंग करनी है हाँ, हैवी कटिंग। तो यो कर देगा दो चक्कर में हाँ, ज्यादा कर देगा। और यो करेगा तीन चक्कर में हाँ, मतलब क्या है मतलब एक चक्कर राउंड का फर्क डाल देगा हाँ। कारण क्या इसका गियर स्पीड का कुछ फर्क है क्या? एक तो यो हैवी है मतलब स्पीड में चला ये अच्छा मतलब वो हाई स्पीड में है हाँ, यू लो स्पीड स्लो में स्लो में है हाँ, वेट कौन से ज्यादा पड़ा है लगभग? वेट तो सेम सही है सेम अच्छा सेम सा है। जो चलाते टाइम जो लोड कौन सा ले लिया ज्यादा बीमल का? हाँ लोड बीमल का ले लिया। ठीक है तो मतलब जो इनमें दिक्कत क्या हो जो हम ज्यादा लोड ले हुए हैं तो स्लिपेज वगैरह करा? हाँ बस स्लिप स्लप करा चैन चून तोड़ दे ज्यादा दिखा देगा तो उससे पता लगा। मतलब कुल मिला के अगर कोई बंदा लेना चाहो तो ये बीमल का लेना चाहिए। कैट का कैटरपिलर के एक तो जैसे मेंटेनेंस ज्यादा है मतलब मेंटेनेंस ज्यादा नहीं मेंटेनेंस ज्यादा महंगी है ज्यादा मेंटेनेंस जो है वो तो मेंटेनेंस तो दोनों सेम होगी सेम होती होगी मेंटेनेंस सेम ही हो मतलब कि पर भी पार्ट्स ज्यादा महंगे हैं इसके। अरे इसके हां बता भाई ये ठेकेदार के लिए तो बढ़िया है ग्रेडर कंपनी के लिए ये बढ़िया है ग्रेडर जो खुद कंपनी अपना खुद काम करेगी। नहीं कंपनी में मेरे एक बात तो और भी है ना मान लेके चलो भाई खराब हो गया तो इसका तो हम तो इसमें फिर भी कंपनी के भरोसे हैं। हां कंपनी के भरोसे हैं या चीज जो वारंटी में तो रहा नहीं तो वारंटी में बाहर या भी चीज बाहर से ठीक करवानी ये भी हमने बाहर से ठीक करवानी है बाहर से ही है तो उसमें तो अगर देखा जाए कंपनी ने सोचा ना भाई एक पार्ट हमने बाहर से मंगवाना है तो कंपनी कोस्टिंग तो देखा है कोई भी हुआ कोस्ट कटिंग था कोई कर रहे है उस हिसाब से देखा था। डीजल खर्चे में कौन सा किसका के इसका डीजल खर्चा क्या है तू बता भाई? इसका डीजल खर्चा जो इसका एवरेज चलता है सब लगाते 13-14 हाँ हमारे खाने में तो 20-22 लोग खाते। नहीं देखो वो तो ज्यादा खिलाना तो बहुत बड़ी बात है ज्यादा कोई मतलब 12-13 लीटर ये ले हमारा इसका 13-14 नॉर्मल अच्छा 13-14 नॉर्मल ले वही इतना तो और तेरे वाला भाई 10-11 खा सका जी इतना फर्क डीजल में भी तो सही कह रहा छोटे ठेकेदार के लिए तो बढ़िया बीमल है ठेकेदार के लिए बढ़िया है बड़े मतलब बड़ा ठेकेदार है बड़े ठेकेदार के लिए वैसे तो बढ़िया है यो। नहीं, जो ठेकेदार को जल्दी काम करना अपना जैसे मान के चलो ड्रंप हो जाए 300 गाड़ी गिर जाए तो एक ग्रेडर जल्दी कर पाएगा ये जल्दी नहीं कर पाएगा उसको। हाँ भाई क्या कह रहे हैं हाँ स्पीड में चलने का मतलब पर यो ज्यादा लोड कर देगा बात लोड का ज्यादा कर देगा बात तो यो ज्यादा लोड लेकर चलेगा लोड कर देगा पर जो ठेकेदार को जैसे कंपनी में डंपिंग बस काट के होगा जी सब ना काट काट बस ये है और कुछ नहीं है हां ये है बस और कुछ नहीं है ये बात सही बोली तो ना कर घूम रहे हो बोला काट काट है और कुछ नहीं है नाम बिक रहा ज्यादा तो बस नाम बिक रहा मेंटेनेंस जैसे मतलब कैटरपिलर की बात नया मॉडल है कई साल बाद मेंटेनेंस आनी स्टार्ट हो जाए इसमें लगभग वो तो जो ऑपरेटर के ऊपर है ग्रेडर ना खराब होता कई कई सालों भी नहीं होता है हो जाए ग्रेडर नया तो खराब हो जाए नहीं, नहीं, देखो ट्रांसमिशन बुला दे कुछ भी बुला दे ऑपरेटर आपने जो बात बिल्कुल सही बोली ऑपरेटर तो सबसे मेन चीज है ऑपरेटर मशीन ना आधी जिंदा रखेगा भाई जरूर जिंदा रखेगा कारण हाँ क्योंकि ऑपरेटर चलाने वाले के ऊपर बात भी है ना भाई एकदम झटका मार दे उल्टी जगह फंसा दे ब्लेड कहीं नीचे जमीन वाले पत्थर अटक गया तो उस टाइम अच्छा ऑपरेटर होता है एक मिनट में पकड़ जाए उस चीज ने निकली होगा तो सोचा लोड मार रहे और रेस दे दे तोड़े उस चीज का देखा लग जाए देखो बेवकूफ आदमी तो कहीं बैठा लो तो गड़बड़ करेगा वो चलाने में कौन सा मजा आ जैसे मान लो तो यार काफी पुराना हो गया आज के टाइम में चलाने में तो काट गया यार फिर यो 22 साल 23 साल पुराना है यो 23 साल पुराना हो गया यो 7 साल पुराना है 7 कड़ा है 6 साल टेक्नोलॉजी बदलेंगे ना ग्रेडर तो और भी सब पर कैट पे आदमी 10 घंटे काम कर लेगा इस पर थकने का नहीं और सब ग्रेडर थक जाएगा काम करने अच्छा आपने चला महसूस हो जाएगी उसको खुद ही वो बाकी भाई वाली बात भी मैंने लगा है थोड़ा कैटरपिलर वाली बात हो जाए मेंटली भी हाँ नॉर्मल है सारे सारे सेम ही करा अच्छा ये दिखाओगे झटका कुछ हाँ जी दिखा देंगे चलो एक और बाकी भाई साहब नमस्कार आप नमस्कार प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोबारा हमारे पास आए ना जी ना बिल्कुल बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन दो जी एक बार राज संधू नाम है जी मेरा हाँ जी सन ऑफ करण सिंह गांव मेरा खेड़ी मान सिंह है अच्छा अच्छा हाँ। तो एक चीज आप क्या कौन से टेक्निकल पॉइंट बताना चाह रहे हो जो आजकल इनमें जैसे बहुत सारे ऑपरेटरों के लिए भी फायदेमंद रहेंगी वो चीजें हमने जैसे स्टार्टिंग से 2009 से मैं इस लाइन में हूँ बहुत ग्रेटर देखे स्टार्टिंग में चैंपियन का आता था हाँ इंडियन मार्क का अच्छा अच्छा इधर आइए
जैसे इसका गियर ट्रांसमिशन सारा राइट साइड में है, वो दिख रहा होगा आपको। उसका आईसी ट्रैक्टर की तरह सेंटर में आता था। अच्छा, बहुत क्रेडर पुराना हो गया। ये जैसे सर्कल हो गया उसका, इसमें नीचे चैन सिस्टम है, इसमें तो ये वाले दांते वाला सिस्टम। अच्छा, उसमें चैन सिस्टम, चैन सिस्टम होता था। अच्छा, और बहुत ही पुरानी टेक्निक पे था वो भी काम कर। अब मिल जाएगा कहीं पर वो? बहुत कम चांस है। स्टार्टिंग में हम रोहतक के रोड पे काम कर रहे थे, वहाँ देखा था। अच्छा, और कैटरपिलर उस टाइम था हमारे पास 140। ये है 122 K2 है, ठीक है जी। 120 भी आता था पहले, H मॉडल आता था। उसमें क्या डिफरेंस था, एक तो थोड़ा कलर का था। एक उसका जैसे इसका रेडिएटर पीछे से स्ट्रेट है ना, उसका थोड़ा कर्व में रहता था। अच्छा अच्छा, उस पे हॉर्स पावर भी लिखी रहती थी। जो H मॉडल आता था ना, वो 140 हॉर्स पावर का इंजन था, और जो सॉरी 120 आता था उसमें 140 हॉर्स पावर थे। जो उनसा 140 था उसमें 185 हॉर्स पावर है। अच्छा। ये 171 हॉर्स पावर का है ये। अच्छा, 120 K2। हाँ, ये 171 हॉर्स पावर का इंजन है। इसमें है जी 160 हॉर्स पावर का इंजन। अच्छा, 160 हॉर्स पावर का। हाँ, वैसे देखा जाता है यार, कम HP में भी ज्यादा पावर निकाल रहा है। और ये 13-24 के टायर है इसके। अच्छा, 13-24 इसके, 14-24 के टायर है। अच्छा, 14-24 के। सबसे ज्यादा ये हमारे जो बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहाड़ों पे कनेक्टिविटी करती है रोड में, उसमें सारे आपको बिमल मिलेंगे। डोजर भी बिमल का मिलेगा, ग्रेडर भी। जैसे बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन पे चैन लगा करके ना, जैसे आसपास का जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, अब तो टनल बन चुकी है। तो हमने खुद देखा है वहाँ पर, इन पे बर्फ हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता था। ये और दूसरे क्यों नहीं लिया जाती थी कंपनी के? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट के बिमल भी अपना गवर्नमेंट है। आज भी आप बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सबसे ज्यादा बिमल ही मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा बर्फ पड़गी, जैसे इतनी पड़गी लगभग, दो मीटर डोजर हटाएगा, जैसे 2-3 फुट होगी ना, आराम से मूव कर देते। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, चेन वगैरह बांध देते थे टायरों पे। हमने खुद देखा है हमारे सामने बर्फ हटाते हुए, और कोई दिक्कत नहीं होती थी इसमें। जैसे ठंड में जैसे स्टार्टिंग करने में दिक्कत आती थी, इसमें छोटा बाइक का इंजन पेट्रोल लगा देते थे। अच्छा, पहले पेट्रोल, पहले पेट्रोल का इंजन स्टार्ट करते थे, फिर वो छोटा इंजन इसको बड़े इंजन को घुमाता था, क्योंकि इसको ठंड में बैटरी की जरूरत था। तो छोटा इंजन इंस्टॉल करके बाइक वगैरह, पहले ट्रैक्टरों में आ रहे थे बहुत सारी मशीनरी में दिया करते छोटा इंजन, पेट्रोल का इंजन स्टार्ट कर दिया, पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो गया, फिर वो इंजन छोटा इंजन वो बड़े इंजन को स्टार्ट घुमा उसको स्टार्ट कराया करता। हाँ जी। अच्छा, और इसका जो है ना, ये हम गोवा एयरपोर्ट पे हमने इससे काम लिया है। इसकी जो ताकत है ना, जैसे ये फुल लोड में चलाइए आप इसको, ये ना इसका पिछला हिस्सा घूमेगा नहीं। अच्छा, और इसकी ब्लेड की हाइट देख लो उसकी, आप फोटो में भी नजर आई, इसकी ब्लेड की हाइट देख लो उसकी, कितना फर्क होगा। ये होगा 3-4 इंच का फर्क, 3-4 इंच का, तो वो बड़ा पूरा ब्लेड भर के भी चल जाता है, यानी लगभग आधी ट्रॉली मिट्टी लेके चल सकता है ये। और ये कैट वाला कैटरपिलर भी चल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा बैलेंस की मतलब पीछे स्लिपेज वगैरह वगैरह का होगा। और जी इसमें क्या है ना, इसमें 4x4 कंपनी की तरफ से आता है। अच्छा, अच्छा। आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते इसको, 2x2 जैसे चारों टायर नहीं इकट्ठे काम करेंगे, इसमें ये फंक्शन है। ये तो देखो नई टेक्नोलॉजी है, ये इसमें फ्यूल कंजप्शन के लिए है। ये तो उसी लोड लगाएगा 4x4। इसमें जैसे आपको हल्की डंपिंग का काम है ऐसे, तो इसमें 2x2 में कर दो इसके, जब उसको जरूरत पड़ेगी ना, जब भी दूसरे हिस्से घूमेंगे, 4x4 में चार हो जाएंगे, एंटी लॉक डिफेंशियल सिस्टम हो जाता है। जिस साइड लोड पड़ेगा वो टायर जोर मारेगा, दूसरे आइडल हो जाएंगे। इसमें ये इकट्ठा मारता जोर, इसलिए इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी भी ज्यादा। 4x4 जब इसमें ऑन कर दोगे फिर ये भी परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, ये डिफरेंस है मेनली जो काम के, इसको हम काम के हिसाब। फिर ये चीज एक और भी बात है ना, अगर मान लो आज अगर बीमल अगर 2022 मॉडल होता तो वो हो सकता उसमें भी ये चीज हो। ये तो काफी पुराना मॉडल हो गया ना। ग्रेडर है ना, जैसे इसका नाम ग्रेडर है, इसको ग्रेडर क्यों जाता है ना, ये ग्रेड बनाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड भी बना देगा आपका। मान लो 20 मीटर पे 100 mm उठाई या कुछ होगा, लेवल फिक्स करके लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडर भी कर सकते हो और क्रॉस कैम्बर भी मेंटेन कर सकते हो, इसलिए नाम इसका ग्रेड है। ये ग्रेड देता है रोड को, जैसे ग्रेडिएंट नहीं बोलते हम पहाड़ों में, जैसे खड़ा ग्रेडिएंट उसमें लंब हो गया, तो वो चीज रहता है इसका। मतलब काफी यूजफुल चीज है, यूजफुल चीज है ये। एक्चुअली 1920 में आविष्कार हुआ था इसका। अच्छा, 1920 में बनाया गया। सबसे पहले जब ये ग्रेडर बनते थे तो सबसे पहले इस पे जो उस टाइम इंजन तो थे नहीं, घोड़े जुड़ते थे आगे। हाँ, मैंने देखे ये एक फोटो था, मेरा ध्यान है। घोड़े आगे जुड़ेंगे जिसके, और इसको खींचेंगे, ऊपर में एक आदमी बैठा रहेगा ऑपरेटर, वो ऑपरेट करता रहेगा मैनुअली, जैसे चैन सिस्टम लगा लिया कुछ रस्सी वगैरह से था शायद। नहीं,
रस्सी से भी था, ये सिस्टम तो यही था सारा। हाँ, सिस्टम तो इसी टाइप का था, लोहे के हुआ करते थे उसमें। हाँ। गुड़िया लोहे की हुआ करती थी, मैंने देखा था वो फोटो, फोटो देखा था। हाँ, खाली आगे वो जुड़ते थे, क्या बोलते हैं, घोड़े वगैरह जुड़ते थे, वो ऊपर से चैन से मेंटेन हो जाता था क्योंकि ये हाइड्रोलिक तो था नहीं। उसके बाद आगे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जुड़ते थे, फिर ट्रक इंजन जुड़ने लगे, फिर धीरे धीरे आविष्कार होकर के वो तो समय के हिसाब से चेंज होते रहे, बदलाव होते रहे। 1931 में रबड़ के टायर आए थे ग्रेडर में। अच्छा, ग्रेडर में 1931 में आ गए थे रबड़ के टायर। और सबसे पहले जो जिसने ग्रेडर बनाया था उसका नाम था बेसल मोटर ग्रेडर कंपनी, जो सबसे पहले बेसल मोटर ग्रेडर कंपनी। उसके बाद 1929 में कैटरपिलर ने भी ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करती थी, 31 में फिर टायर दे दिए थे। अच्छा, देखिए इसको आपका ना कुछ फंक्शन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिया ग्रेडर। हाँ हाँ। हम कुछ काम कर रहे हैं आगे, हमको ऑपरेटर का ध्यान नहीं है। हाँ हाँ। मान लो हमको ये स्टॉप करना है तो ये उठा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, इमरजेंसी स्टॉप दे सकते हैं, मान लो हम चढ़ तो नहीं सकते। समझ गया समझ गया, यहाँ बंदा है तो एकदम इसने उठा दे बस। इमरजेंसी के लिए भाई कोई भी सेफ्टी के पर्पज के हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और एक और इसी, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें जैसे लाइटें वगैरह फूल हैं, इंडिकेटर भी हैं इसमें, कंपनी फिटेडी इंडिकेटर भी है पीछे, देख लो ब्रेक लाइट भी है। हाँ, सारी चीजें हैं ये सारी चीजें, मान लो रोड। हाँ जी, बोल रहा जी, बताओ क्या बताना चाह रहे हैं। एक और अलग इसका फंक्शन बताते हैं ग्रेडर का, जैसे ये जो है ना पिन जी। हाँ हाँ, ये जो पिन दिख रही है आपको। अच्छा, ये आप ना अपने इसका सर्कल उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखो हमने सर्कल पूरा बाहर निकाल रखा है। हाँ हाँ। और इसमें जैसे आपने एक्सावेटर से किसी जेसी मशीन से साइड का स्लोप बना दिया, ड्रेसिंग कर दी, उसको आपने को और फिनिशिंग देना है ना, तो उसको ब्लेड को यहाँ लगा कर। अच्छा, ये ब्लेड साइड में निकाल के, साइड में निकाल के और इसी तरह से फिनिशिंग मारता चल जाएगा। अगर स्लोप की हाइट ज्यादा होती है, एक और असेंबली आती है। अच्छा। तो ब्लेड और विड्थ में बढ़ जाएगा लगभग 2-3 मीटर ग्रेडर की एचपी के हिसाब से, भाई कितना लोड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये इस पोजीशन में कटिंग नहीं कर पाएगा, खाली फिनिशिंग मार पाएगा क्योंकि इसका सारा हिस्सा आ गया बाहर। हाँ हाँ। अगर आप कटिंग करना चाहोगे फिर ये सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो सेंटर में ही कटिंग कर पाता है ग्रेडर, जब सर्कल बाहर निकल जाएगा वो कटिंग की वो फिनिशिंग कराएगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इस तरीके का जो ढलान होगा उसमें ये फिनिशिंग करते टाइम यो चक्कर यो है। हाँ जी, हाँ जी। ये ऊपर आप वहाँ तक चला जाएगा, अलग से ब्लेड इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऊपर तक मारेगा पूरा। फिनिशिंग में तो खैर वो ब्लेड एक्स्ट्रा लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें सिलेंडर अटैच हो जाएगा, वो पूरा वहाँ तक वो चल जाएगा। अच्छा अच्छा। और जो ये अपना बीमल का ग्रेडर है उसमें जो ये जो पिन बताई थी ना, इसमें तो ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअल है, उसमें मैनुअल है, उसमें भी है ये फंक्शन। मतलब ये शुरू से ही आ रहे हैं ये फंक्शन, बहुत टाइम पुराने टाइम से ही आ रहे हैं। और जो हमने वो वीडियो में बताया था भाई, इसका जो लास्ट वाला इंजन का हिस्सा उधर तक, उधर तक बता, उधर तक बता, उधर तक बता। ये हमने वीडियो में बताया था ना, इसका हो जाता है ये, देखो इसमें सेफ्टी भी रख रखी है, इस मूविंग पार्ट में आप नहीं हो सकते क्योंकि ये अगर ये घूमेगा, ये देखो सिलेंडर। हाँ, अच्छा, ये सिलेंडर खुला है, ये इधर दबाओगे तो इधर दब जाएगा, उधर दबाओगे तो उधर। अच्छा, ये मतलब इस टाइम पे काम आता स्लोप में ही। हाँ, स्लोप में भी आता है। मान लीजिए आप 6-7 मीटर का हमने बैंक बना दिया है मिट्टी का डाल के। हाँ हाँ। अब बिल्कुल किनारे में अगर ग्रेडर लेके चलोगे तो उसके चांसेस रहेंगे साइड में बैठ जाएगा या पलट सकता है। हाँ हाँ। वैसे ग्रेडर बहुत लंबी मशीन है, पलटने के चांस बहुत कम होते हैं, ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से पलटता है। तो उसमें हम ये वीडियो में करके भी दिखा देंगे, इसके अगले टायर तो हो जाएंगे बिल्कुल एज पे। हाँ, बिल्कुल। जो वेट वाला हिस्सा होता है, मान लो यही जोड़ लगाता है, मान लो फंसेगा अगले हिस्से में, तो कुछ शाफ्ट वगैरह है नहीं, सब कुछ मूविंग पार्ट इसी में है, तो ये आप इसको जितना भी है 1-2 मीटर 2.5 मीटर तक इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्लेन एरिया में चल जाएगा जहाँ बिल्कुल कॉम्पैक्शन है, ये लूज में चल जाएगा। और जो तिरछे करने का टायर होता है जो ऐसे और ऐसे करते हैं, उसको जैसे आपको गांव में के रोड में काम कर रहे हैं, आपको एकदम मोड़ना है, इसका टर्निंग रेडियस है 11 मीटर, उसका जी 14 मीटर, तो वो जैसे जिस तरफ आपको मोड़ना है ना उसी तरफ लेटा दो टायर। अच्छा अच्छा, वो जल्दी टर्निंग रेडियस कम कर देगा। हाँ, और एक और है, जैसे मान लो आप एज पे चल रहे हो। हाँ। एज पे बिल्कुल ग्रेडर चलाना है आपको, फिनिशिंग मारनी है, रोलिंग भी करनी है, तो उसका फंक्शन ये होता है, जैसे टायर ऐसे सीधे चल रहे हैं। हाँ। अगर लूज होगा तो ऐसे बैठ जाएगा बिल्कुल, अगर आपने तिरछे कर दिए जैसे थोड़ा बैठेगा फिर भी सीधा चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, यो इसका यो पर्पज है। अब वो सारी चीज करके दिखाओगे आप? हाँ, करके दिखाएंगे। और ये जो टायर है इसमें, ये जो गुड्डी वाले टायर जब मिट्टी में चलता है तो ये टायर डालते हैं हम। हाँ हाँ। क्योंकि उसमें ट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ये वाले टायर, जैसे हमने ट्रैक्टर में देखे होगा अपना। हाँ हाँ। खेती बाड़ी करा है, ट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ट्रैक्टर, अगले टायर छोटे पिछले बड़े
पूरा पीछे राउंड काटते हैं, मिट्टी को काटते हुए नजर आते हैं। जब हमको ये GSBW पत्थर में चलाना होता है, फिर दूसरे फ्लैट टायर आते हैं, उसमें गुड्डी ऐसे लाइनिंग वाली होती है, इसमें सोयल कॉम्पैक्टर टाइप में होती है। नहीं नहीं नहीं, जैसे हाइड्रे वगैरह में, जैसे आपने नए मॉडल के ट्रक देखे होंगे उसमें थोड़े लाइनों वाली ऐसी गुड्डी होती है, उसमें क्या होता है ना, ये अगर हम पहाड़ में चलाएंगे ना ग्रेटर, तो इसमें कट लग जाएंगे फटाफट, क्योंकि ये तो जोर मारेगा, नुकीले पत्थर काट देंगे। वो कहते हैं लाइन सीधी होती है, उसके टायर उसमें जोर कम लगाएगा लेकिन टायरों की बचत ज्यादा हो जाएगी। ये भी कुल मिलाकर उस चीज के लिए बना रखा है वो, यानी जब लगातार पत्थर में चलना, क्योंकि पत्थर में अगर आपको रोडी बिछानी है तो ज्यादा जोर की तो जरूरत नहीं, फटाफट तोड़ देता है। इसमें क्या है CNG वगैरह मिट्टी में, इसमें इसी गुड्डी में जोर मारेगा, ये फंसा भी निकल जाएगा। चलो कोई नहीं कोई नहीं, बस चला के दिखाओ इसका। अच्छा पूरा हिस्सा भी साइड वाला, पिछला हिस्सा बैल कर लेना, फ्रंट टायर भी इसका टेढ़े करेगा बैलेंस के हिसाब से। अच्छा अकॉर्डिंग टू बैलेंस भाई अगले टायर भी ऐसे वो करेगा। अभी फिलहाल तो घुमा रखी है, जो मेन चीज है ना आप देखोगे तो पिछला हिस्सा बाहर की तरफ, अगला हिस्सा आगे की तरफ आ गया। देखोगे एक बार, अब देखो अगला हिस्सा देखो कहाँ चल रहा है। अभी देखो पूरा अगला हिस्सा कहाँ है और पिछला हिस्सा कहाँ है, ये करिए टायर करिए। अच्छा, अब लेगा। अच्छा इस तरीके से चलाने का काम का है यो। अच्छा ये फिनिशिंग करता है ऐसे इस तरीके से। अच्छा ये काम है इसका जी, अगर जी वही है जैसे अब ये 1-2 मीटर का पोर्शन छूट गया, एक्स्ट्रा ब्लेड लगा के आप उसको भी कवर कर सकते हैं। इसमें लोड नहीं, इसमें ना टेक्निक काम देगी, टेक्निक और दिमाग काम कर रहा है। कटिंग हल्की फुल्की कर पाएगा, ज्यादा आप सोचोगे पूरा मतलब कुल मिलाकर ऐसी इस जब इस टाइप का काम करे, इस टाइप ऑपरेटर का पता लगा वह कैसा है। ये इसमें सफाई से करना पड़ा है लोग, और ये जो सफाई भी इसमें मशीन चलेगी नीचे, ये आपका लेवल होना चाहिए, ये लेवल ये भी सही। अगर ये अंडुलेशन होगा तो मशीन उसी हिसाब से ऊपर नीचे वो ब्लेड पे इफेक्ट पड़ेगा, पहले नीचे पूरा अच्छे से ग्रेडिंग कर दो और लेंथ होने के बाद और भी ज्यादा इफेक्ट देगा। लेंथ के बाद अगर थोड़ा सा भी ऊंचा आ गया तो वहाँ कम से कम 100-200 mm का फर्क पड़ जाएगा अगर ऊंचे नीचे। अगर जो हमारे स्लोप के भी 6 मीटर की हाइट है तो हम उसे 2.5 मीटर ऊपर से बना लेंगे, 3 किलोमीटर में 3 नीचे से, तो स्लोप पूरा बन जाएगा। अच्छा मतलब ऊपर से काम कर देगा नीचे से काम कर देगा, ऊपर से भी और मतलब यो एक चीज और देखिए, जैसे साइड में से मुड़ने की बात हो तो कुल मिलाकर 50% से भी 60% के करीब साइड हो जाते हैं अगले टायर साइड में चला जाएगा, बिल्कुल यही हो जाता है। अब जैसे बहुत ज्यादा हाइट होगी ना, मुड़ा पड़ा है पूरा, हाँ हाँ वो भी दिखाओगे, बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी तो आधा तो आप असेंबली खोल के दूसरी तरफ लगा लीजिए, ऊपर से मार दोगे, बचा हुआ पोर्शन जो ब्लास्ट में होगा उसको नीचे से मार देना, जो जितनी मिट्टी निकलेगी उसको नीचे कर दीजिए। ठीक। अच्छा, ये पूरा हिस्सा साइड। अच्छा टायर मोड़ने का जो मोड़ का घुमा वो कॉन्सेप्ट अब कामयाब हो रहा है। अच्छा पीछे तो जैक आपने पूरा खोल दिया, इधर वाला पूरा जैक खुल गया, ये वाला उधर वाला बंद हो गया होगा पूरा। ये देखो बीच में पूरा मोड़ रखा है फिलहाल जितना मुड़ सकता था, ये वाला जैक पूरा बंद कर दिया और पूरी मशीन टेढ़ी हुई साइड में भी कर दिया, और उसके बाद मशीन पूरी टेढ़ी होगी, जो अगला कटर है वो ब्लेड पूरा साइड में हो गया। और अगर हम जैसे इसके टायर फिलहाल ना टेढ़े कर रखे हैं, जैसे उस साइड टेढ़े कर रखे हैं उस साइड, तो वैसे हाइट में होने के बाद बिल्कुल सीधा ग्रेडर चला, इससे स्टेबिलिटी भी बनेगी और ये बिल्कुल अपना टायर भी अगले टायर बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहेंगे, पूरा साइड में हो गया एकदम पूरा। ये मतलब लगभग मेरे हिसाब से तो 60%+ है ना साइड में निकल गया मशीन। बड़ी अच्छी चीज़ है भैया, यूजफुल चीज़ थी, बहुत काम की चीज़ है ये तो। वैसे मशीन बड़ी ज़बरदस्त बना रखी यार बनाने वाला, इसका कैटरपिलर जैसे बिल्ली है ना कैट, हाँ ऐसे ही चढ़ जाता है ये भी। नहीं वो तो चलो बात कैटरपिलर की नहीं है, बात है मशीन की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक ग्रेडर की बात है। हाँ फीचर ऐड कर रखे बहुत सारी कंपनी ग्रेडर में, जैसे मैं धीरे धीरे ये तो खरीद कंपनी है सभी कंपनियों में आता है, मतलब इसके फीचर की बात है भाई, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज बना रखी है इंजीनियरों ने। एक और चीज बताता हूँ आपको, जैसे हम ये ऑफ कर दिए इमरजेंसी ऑन कर रखा मैंने, कोई नहीं हो जाएगा। ये जैसे आप बाहर देशों में जाओगे, अभी हमने तो इंडिया में देखा नहीं है, जैसे आपने लेवल कर दिया नीचे वाला बेड बना दिया, तो ब्लेड के एक हिस्से पे यहाँ पर
जैसे ऑटो लेवल या सेंसर सेट हो जाएगा, फिनिशिंग के टाइम में काम आएगा। अच्छा। आपने जैसे एक तरफ से सेट कर दिया ना, बिल्कुल पेविंग पेवर जैसे आपने वीडियो बना रखी है विटरजन की, वो बिल्कुल लेवल में फिनिशिंग मारेगा, लेकिन वो बाहर ही है, टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में देखा नहीं है। लेकिन हमारे ये तो कह दो, हमने देखा नहीं, हमने नहीं देखा है वो चीज, इंडिया में होगी। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ना, जैसे मैं अभी ये हम कुछ भी लेवल करेंगे मैनुअल करते हैं, उसमें जैसे फिनिशिंग टाइम में इंस्टॉल कर दोगे, वो बिल्कुल एक एक एमएम पकड़ता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही कटिंग फिलिंग अपने आप ही करता चला जाएगा। और वो काफी बड़े ग्रेडर होते हैं, ऑपरेटर के लिए आसान आरामदायक, फिनिशिंग के टाइम में बहुत आसानदायक रहता है। रीपर वगैरह जो बाहर ग्रेडर चलते हैं वो तो बहुत हैवी होते हैं, उनका टायर का साइज डबल हो जाएगा, इंजन के हॉर्स पावर भी बड़े हो जाएंगे। वो तो देखो काम के हिसाब से वो एक अलग चीज है। जो उसके हिसाब से जो हमारे गुरुजी कह रहे सही कह रहे, पर सेंसर ग्रेडर गावड कंपनी में भी है, दो ग्रेडर है कैटरपिलर के। वो तो देखो ठीक है, वो हर एक जैसे जहाँ जरूरत होती है वही लेनी जरूरी है, वैसे लगाने में उनका आजकल डैमेज का भी है खर्चा, फिर दूसरी बात ऑपरेशन भी आने चाहिए, ऑपरेशन भी आने चाहिए, उसके लिए कोर्स भी करना पड़ा पूरा। हाँ आजकल अपने यहाँ तो जैसे ज्यादातर मैनुअल में, तेरे जैसे ऑपरेटर जैसे वो भाई ना हो गए बीमल वाले, 22 साल हो गए उस बंदे, 22 साल हो गए, 19 साल हो गए चलाते चलाते, बोला 19 साल में आदमी अपने आप हाथ जाएगा वहाँ पे, एक तो एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद बिल्कुल वो एमएम वाली बात, मतलब फिर वो तो मशीन ने कामयाब होगी। और उसके बाद जैसे बाहर वो अपने इंडिया में जैसे क्या है, जैसे पहाड़ वगैरह हो गए, हम तो उसमें ब्लास्टिंग कर देते हैं, उसमें बारूद डाला जितने भी वो किया और उसको उड़ा दिया। अब जैसे दुबई वगैरह है, आपको यहाँ पहाड़ निकालना है, पास में है रेजिडेंशियल एरिया, लोग भी सासत है, तो उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े जो मशीनें हैं डोजर हो गए, वो पीछे उनमें बड़े बड़े टीथ होते हैं, टीथ वो पहले तो लूज कर देगा, फिर अगले डोजर से वो फेंक देगा। वो तो देखो जैसे समय के हिसाब से यहाँ भी जुड़ पड़ेगी वो चीजें, यहाँ भी अप्लाई होंगी इंडिया में भी। चलो जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी चीज बताई, नॉलेज की बात बताई भाई, धन्यवाद तेरा भाई, चलाने वाले और भाई बिमल में भी सारी चीजें हैं। तो चलो जैसी वीडियो लोग कमेंट करें जरूर बताना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।